आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीपल टॉपिक्स हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स और पार्टनरशिप्स के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के साथ। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, लेबर को डिवाइड करना, किस हिसाब से कि जो आपका काम है उसको डिवाइड कर दें, उस हिसाब से आपका अगर लेबर का डिवीजन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर मींस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू डिफरेंट पार्ट्स और प्रोसेसेस। तो जो भी काम जो है आपको दिया गया है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है, उसको अलग अलग प्रोसेसेस में अगर आप उसको डिवाइड कर दें, या जो आपका काम है उसको अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर दें, जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक नंबर ऑफ मेंबर्स के थ्रू आप उसको करना चाहते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उस काम को आप डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। ओके, तो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने आपको बोला कि उस ग्रुप में या एक ग्रुप को आपने वो काम को, उस वर्क को डिवाइड कर दिया इंटू डिफरेंट पार्ट एंड प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर हर तरह का जो है, हर एक लेवल का, हर एक एबिलिटी का जो है आदमी वहां पर मौजूद होता है। जैसे कि फोरमैन है, वो अपना काम करेगा, टेक्नीशियन विल डू टेक्निकल वर्क, इलेक्ट्रीशियन विल डू इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड थिंग्स। तो इस तरह के अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो जो भी पर्टिकुलर टास्क या जो प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है, असाइन किया हुआ है, तो उसको अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी या उनके जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड कर दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के मेथड्स कौन से हैं, किस किस तरह से हम लेबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर हम चार अलग अलग मेथड्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, नंबर टू इज कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, थर्ड टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर में इट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई भी आपको जो है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दैट इज वेरी सिंपल। जहां पर कि वेयर देयर इज कंप्लीट डिवीजन ऑफ जॉब्स अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। एक प्रोजेक्ट है आपके पास, अगर 10 लोग हैं काम करने वाले, आपने सिंपल इतनी सी चीज आपने की है कि उस पूरे टास्क को आपने उन 10 लोगों को डिवाइड कर दिया कि ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये एक पर्टिकुलर काम है, ये आप 10 लोगों को कंप्लीट करना है, दैट इज कॉल्ड सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें आपको कोई मैनेजेरियल स्किल्स, स्ट्रेटेजी या कुछ प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, दैट इज वेरी सिंपल कि आपने 10 लोग हैं, 10 लोगों को एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दैट जॉब, स्पेसिफिक प्रोसेस जो है वो आपने किसी को असाइन नहीं किया है। वेरी सिंपल, एक पूरा एक काम है, मान लेते हैं एक हमारा कंसाइनमेंट आया हुआ है, उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना है, 10 लोग आपके पास काम करने वाले हैं, 10ों को बोला कि ये कंसाइनमेंट यहाँ से उठाकर वहां पर जाकर रैक्स में लगाना है, दैट इज सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर। वो 10 के 10 लोग जिसको जो मन आएगा, जिस हिसाब से आए चाहेंगे, वो उस कंसाइनमेंट को, उन प्रोडक्ट्स को उठाएंगे और जाकर रैक्स में रख देंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर। नंबर टू इज कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, ये थोड़ा सा उससे एडवांस्ड है। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर में व्हाट वी डू इज दैट द वर्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन सच अ वे दैट ईच वर्कर डज वन प्रोसेस ओनली। एक आदमी एक ही तरह का काम करेगा, वहां पर इस जो पूरा आपका प्रोजेक्ट है उसमें अलग अलग तरह के काम हो सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें ब्रॉड लेवल पर, तो एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिस भी जगह पर आपका जो वर्क प्लेस है वहां पर हर तरह का आदमी मौजूद होगा। मैनेजर भी है, असिस्टेंट मैनेजर भी है, आपके फाइनेंस वाले जो हैं वो अलग काम करते हैं, ऑडिटर वाले अलग काम करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलग तरह से काम कर रहा है। तो अलग अलग तरह के जो आपके जो प्रोसेसेस हैं उसको हैंडल करने वाली अलग अलग टीम्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो फाइनेंस वाला जो डिपार्टमेंट का जो आदमी है वो सप्लाई चेन को अगर वो डील करने लगेगा तो कहीं ना कहीं वो जो है लैक ऑफ एप्टीट्यूड या एबिलिटी जो है वहां पर हमें पता चल जाएगी और हमारा जो काम है उसको हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स डिवीजन में हम क्या करेंगे कि जो काम है उसको हमने सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोसेसेस में, नंबर ऑफ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया,
और इस तरह से हमने उसको डिवाइड करने के बाद हर एक आदमी जो हर एक वर्कर है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्क करेगा, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस जो है वो डील करेगा, हैंडल करेगा, डिपेंडिंग कि वो किस चीज में बेहतर है। तो जिस चीज में वो सबसे ज्यादा एक्सेल करता है उस पार्ट को वो काम करेगा। जैसे कि अगर हमारे अपने घर में की घर के घर पे बात करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे काम जो हैं हम घर में देखते हैं, जैसे कि अगर खाना बनाने की बात हो तो खाना बनाने का जो काम है हम या आप जो हैं हम शायद इतने अच्छे से नहीं कर सकते, हमारी जो मदर्स हैं, हमारी जो सिस्टर्स हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। तो वो टास्क जो है वो उनको असाइन कर दिया जाए। इसी तरह से अगर कोई जोर वाला काम है जिसमें बहुत ज्यादा ताकत चाहिए तो उसमें जो है हम जेंट्स मेंबर इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज उस चीज को हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पर कि हम काम को डिवाइड कर देते हैं इस तरह से ताकि एक पर्टिकुलर मेंबर एक पर्टिकुलर टास्क को या एक प्रोसेस के एक पर्टिकुलर पार्ट को जो है हम परफॉर्म करेंगे। देन कम्स थर्ड नंबर, टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। टेरिटोरियल मीन्स टेरिटरी से इसका जो वर्ड है डेराइव हुआ है, टेरिटोरियल। टेरिटरी मीन्स होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन की, जब हम बात करते हैं कि क्या टेरिटरी है, तो टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर भी जो है उसी से डेराइव्ड है। व्हेन ड्यू टू वन रीजन और द अदर अ पर्टिकुलर एरिया स्पेशलाइजेस इन अ टाइप लेबर, वी कॉल इट टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब ये हुआ कि एक जो आदमी है या जो एक पर्टिकुलर टाइप का लेबर है वो किसी एक वर्क में स्पेशलाइज्ड है और उस काम को ही वो अच्छे से कर सकता है, बाकी काम वो नहीं करता है, तो वो स्पेसिफाइड है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं वहां पर, या किसी एक बैंक की अगर हम एग्जांपल लें, तो एक बैंक में जो कैशियर है वो कैश जो है संभालता है, वो अच्छे से तरीके से संभाल सकता है। जो रिलेशन मैनेजर है वो रिलेशनशिप मैनेजर, या जो लोन वाला है वो लोन को देखेगा। तो एक स्पेशलाइज्ड काम को करने वाला जो लेबर है वो उस चीज में एक्सेल करता है। तो टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर में हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें कि एक लेबर या एक वर्कर जो है स्पेशलाइज्ड है, हम उसको वो टास्क जो है असाइन कर देते हैं, दैट इज वेरी स्पेशलाइज्ड। जैसे कि अगर हम बात करें डिफेंस या डिफेंस इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो हम जैसे अभी हमने राफेल जो है हमने बाहर से एक्सपोर्ट किया, क्योंकि हमें पता है कि वो कंट्री जो है इन चीज़ों में एक्सेल कर सकती करती है और उसको इस चीज़ में जो है ज़्यादा वो एडवांस्ड है, तो हमने वहाँ से जो है राफेल जहाज इंपोर्ट किए। तो दैट इज टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। नंबर फोर इज इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, देखिए यहाँ वर्ड्स से ही समझ में आ जाएगा कि व्हेन डिफरेंट कंट्रीज प्रोड्यूस थिंग्स ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन, हर एक कंट्री अलग अलग चीजों में महारत हासिल करके रखती है। इंडिया की बात करें तो हमारे पास मसाले जो है, स्पीशीज जो है, स्पाइसीज जो है, उस चीज में जो है हम वी आर वेरी स्पेशलाइज्ड। इसी तरह से अगर हम चाइना की बात करें, जापान की बात करें, तो टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, वो वहां पर बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। इसी तरह से अगर हम यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, तो हर एक कंट्री अपने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में कुछ जो चीज वो प्रोड्यूस कर रही है वो स्पेशलाइज्ड है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर एक पर्टिकुलर ब्रिज बनाना हो, हम अपने देश में देखते हैं कि ब्रिजेज जो है, ओवर ब्रिजेज या जो हमारे हाईवेज बनते हैं, तो एक पर्टिकुलर लेंथ को हम अगर मैन्युफैक्चर करना चाहें, कंस्ट्रक्ट करना चाहें, तो उसमें हमें जो है महीनों लग जाते हैं, 6 महीने 1 साल तक का जो है वो टेंडर दे दिया जाता है, प्रोजेक्ट बन जाता है। लेकिन जो कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जिस जहां की बहुत कम समय में एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की उनकी कैपेबिलिटी है कि वो 1 महीने में कंप्लीट कर सकती हैं। तो अगर हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जाए जिसमें कि हमें बहुत फास्ट काम करना हो, तो अगर हम उस तरह के इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर के हेल्प से अगर हम डिवाइड कर दें उस काम को, और वहां की लेबर जहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, वहां की लेबर, वहां के इक्विपमेंट्स, वहां को वहां पर टेंडर दे दिया जाए, तो वो काम हम जल्दी से कर सकते हैं। तो दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो चार तरह की आपके मेथड्स हैं जिसके हिसाब से आप लेबर को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन का मतलब होता है कि आपकी विस्तृतता, आपका जो
लेवल जो है वो कितना ज्यादा ब्रॉड है और कंट्रोल कितना ज्यादा कर सकते हैं, तो दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल को देखें, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट एन एग्जीक्यूटिव कैन सुपरवाइज डायरेक्टली, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट एन एग्जीक्यूटिव कैन सुपरवाइज डायरेक्टली। एक एग्जीक्यूटिव है, एक आपका जो सुपरवाइजर है, वो कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं डायरेक्टली कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्कर। अगर कोई एग्जीक्यूटिव, अगर कोई आपका जो मैनेजर है वो 6 लोगों को डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 6 होगा। इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि वो जो 6 लोग जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, जिसको वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा है, उनके अंडर में 6 लोग और हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मैनेजर के अंडर में लोग तो जो है 6 × 6 36 persons आर देयर, बट डायरेक्टली वो सुपरवाइज कर रहा है सिर्फ 6 लोगों को। वो आगे, वो जो 6 लोग हैं आगे अलग 6 लोगों को अगर आप सुपरवाइज कर रहे हैं, तो उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो पर्सन, वो मैनेजर डायरेक्टली अगर 6 लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी 6। सेकेंड पॉइंट देखिए, नो सिंगल एग्जीक्यूटिव शुड हैव मोर सबॉर्डिनेट्स लुकिंग टू हिम फॉर कंट्रोलिंग एंड गाइडेंस। उसका रीजन क्या है, अगर एक आदमी को, एक वर्कर को, एक सुपरवाइजर को हम बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स जो है उसके अंडर में दे देंगे, अभी मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया कि 6 लोग उसके अंडर में है जिसको वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा है, तो उसका जो दिमाग है, जो उसका ध्यान है, जिसको वो सुपरवाइज कर रहा है, वो सिर्फ 6 लोग हैं, तो बड़ा सा लिमिटेड सा है। वो 6 लोग आगे 6 लोग कर रहे हैं, तो वो एक पर्सन जो टॉप पर है उसके अंडर में ऐसे 36 लोग हैं, लेकिन वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा है सिर्फ 6 लोगों को, तो इट इज वेरी इजी और इफेक्टिव। बट अगर किसी उस एक पर्टिकुलर आदमी को, एक सुपरवाइजर को, एक पर्टिकुलर एक सिंगल एग्जीक्यूटिव को अगर हम डायरेक्टली 36 लोग उसके अंडर दे देंगे और वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा है उन 36 मेंबर्स को, वो इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिवनेस जो है उसकी कम हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है जितना कम होगा उतना ही ज्यादा बेटर जो है आपके रिजल्ट्स होंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल फॉर सिंगल एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंटल हेड शुड बी लिमिटेड टू 6 इन एन एवरेज फर्म। एक एवरेज फर्म जो है, छोटी सी फर्म है, वहां पर लिमिट जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल की, दैट शुड बी 6। When the activities are routine or closely related to the manager, मतलब जो activities daily हो रही हैं, जिसमें आपको ज्यादा supervise करने की जरूरत नहीं है। For example, एक departmental store है, वहाँ पर जो manager है, जो वहाँ का जो head है, उसके under में 7 या 8 लोग या 10 लोग जो हैं, वो वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन वहाँ की routine जो है, वो बिल्कुल normal सी है, बहुत simple सी और एक जैसी routine है, जिसमें कि वर्कर आता है, सफाई करता है, प्रोडक्ट्स को आगे पीछे जो है अरेंज करता है, कोई प्रोडक्ट गिरा हुआ है उसको अरेंज करके रख देना, या जो सामान एक्सपायर होने वाला है उसको आगे कर देना ताकि वो पहले सेल हो जाए। तो ये एक डेली रूटीन है जो कि वर्कर करता है, तो इसमें उसको ज़्यादा जो है सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उस प्रोसेस में या उस वर्क प्लेस पर रूटीन मतलब एक जैसी हैं डेली और क्लोजली रिलेटेड द मैनेजर, तो मैनेजर डायरेक्टली उसको सुपरवाइज करे तो बेटर होगा। तो उस कंडीशन में स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन बी 20 हो सकता है, ठीक है। तो वैसे तो एक एवरेज फर्म में मैंने आपको बताया कि स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी 6, लेकिन अगर जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो कॉमन है, वेरी रूटीनली आप जो है उस काम को कर रहे हैं, और मैनेजर डायरेक्टली उसको रूटीनली आप वो क्लोजली जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन बी 20 ऑल्सो। Now we'll discuss कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिटरमिन करते हैं, कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा कम और कर दें तो ज्यादा इफेक्टिवनेस होगी। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिटरमिन करते हैं कि उस एग्जीक्यूटिव का, उस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ये किस तरह से हम डिटरमिन करते हैं, वो कुछ फैक्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इज कैपेसिटी, एक्सपीरियंस एंड स्किल ऑफ द सबॉर्डिनेट। जो आपके अंडर काम कर रहा है आदमी उसकी बात कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट की। अगर जो अंडर में जो अंडर सुपरविजन है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, एक्सपीरियंस उसको ज्यादा है, उस काम को डेली कर रहा है, पिछले 20 साल का उसको एक्सपीरियंस है और उसके स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो उसको आपको ज्यादा सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा समझाएंगे वो ज्यादा समझेगा, वो कहते हैं ना समझदार को इशारा ही काफी है। तो अगर इस तरह के कुछ लोग हैं तो आपके जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसको आप बढ़ा सकते हैं।
अगर 6 है तो उसको 8 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, क्योंकि जो सुपरवाइज कर रहा है वो अब ज्यादा लोगों को, अगर वो समझदार लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा लोगों को सुपरवाइज इजीली कर सकता है, क्योंकि वो कम समझाएगा ज्यादा समझ जाएंगे लोग, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 इज कैपेसिटी एंड स्किल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो सबॉर्डिनेट्स को गाइड कर रहा है, जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, अभी पहले पॉइंट में तो हमने उन सबॉर्डिनेट्स की बात की थी जो अंडर गाइडेंस हैं, अगर उनकी स्किल ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आप स्पैन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 2 इज कि जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो जिसका स्पैन ऑफ कंट्रोल हम बात कर रहे हैं कि कितना होना चाहिए, अगर उसके स्किल ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है एक्सपीरियंस होने के साथ साथ, तो उस कंडीशन में भी आप स्पैन ऑफ कंट्रोल इंप्रूव कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। एक नया आदमी आया है एक वर्कप्लेस पे, उसको अगर आप बोलेंगे कि 20 लोगों को आपको सुपरवाइज करना है, तो दैट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से काम कर रहा है, जो 20 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको अगर आप 20 के जगह पर 25 लोग भी कहेंगे, तो हो सकता है कि वो इफेक्टिवली काम कर सकता है, क्योंकि वो उन रूटीन्स को, उस प्रोसेस को अच्छे से क्लोजली जानता है, वो करते आ रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, स्किल ज्यादा है, उसके साथ साथ लोग उसको पहले से जानते हैं। तो इन सब फैक्टर्स से हम उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि वो 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा या 20 होगा। नंबर 3 इज फॉर स्पेशलाइज्ड एंड रूटीन वर्क स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन बी लार्ज। ये हम पिछले स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड वर्क है, रूटीन वर्क है, जैसे मैंने आपको डिपार्टमेंटल स्टोर वाला एग्जाम्पल दिया, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज्यादा हो सकता है। नंबर 4 इज कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ वर्क डिमांड्स अ स्मॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल। कोई काम बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है, उसमें आपके एरर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। कोई ऐसा टास्क है जिसमें कि बहुत गलतियां होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का काम है, तो उस जगह पर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा करना होगा, मतलब ताकि क्लोजली जो है उसको डील किया जा सके, उसमें डिसीजंस लिए जा सके, मैनेजर जो है उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर सके, तो 4 ही लोग उसके अंदर में रहें तो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि इसके कि 8 लोग दे दिए जाएं और काम जो है उसमें एरर्स हो। तो जितना स्पैन ऑफ कंट्रोल का छोटा होगा, मतलब एक मैनेजर डायरेक्टली 2 या 4 लोगों को अगर सुपरवाइज कर रहा है, किस कंडीशन में, अगर नेचर ऑफ वर्क इज वेरी कॉम्प्लेक्स जिसमें एरर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है दैट शुड बी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट कम्स अ स्मॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल इज ऑल्सो आइडियल व्हेन द वर्कर्स आर डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एंड रिक्वायर क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल। बिल्कुल सेम उसी तरह से है कि जब अलग अलग तरह का काम किया जाता है, कोई एक वर्कर जो है वो 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 8 10 तरह का काम कर रहा है, अलग अलग तरह का काम कर रहा है, तो उसको जरूरत होती है क्लोज सुपरविजन की, ताकि वो कोई गलती ना कर दे, ताकि उसको कंट्रोल करता रहे आदमी। हो सकता है कि वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, उतना ज्यादा स्किल्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमें यहाँ से हायर करके एक पर्टिकुलर लोकेशन में, एक अलग अलग जगह पर, वर्क लोकेशंस पे हमें वहां पर अपॉइंट कर दिया जाए। अभी हमें कुछ भी पता नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो अभी हम जो है अलग अलग तरह के जब हम काम करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे एरर्स करने के चांसेस ज्यादा हों। तो वी नीड क्लोज सुपरविजन, वी नीड क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल। हमें अपने मैनेजर के, अपने सुपरवाइजर की ज्यादा जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। तो उस कंडीशन में स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो हर एक सुपरवाइजर को, जैसे मान लेते हैं कि आपके एक कंपनी में 10 या 15 जो लोग हैं वो नए हायर किए गए, अब उन्हें प्रोसेस के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3-3 लोग एक एक सुपरवाइजर के अगर अंडर में दे दें, तो वो एक आदमी 3 लोगों को डायरेक्टली सुपरवाइज कर सकता है, इजीली कंट्रोल कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज्यादा स्किल्ड नहीं है, जहां पर क्लोज सुपरविजन की जरूरत है, ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है, वहां पर स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी स्मॉल। लास्ट पॉइंट देखिए, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लान्स एंड पॉलिसीज। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लान एंड पॉलिसीज बोथ इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब ये कि सबॉर्डिनेट जो है, जो काम करने वाला लेबर आदमी जो है, जो अंडर गाइडेंस जो है वर्कर, उसके दिमाग में अगर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, प्लान्स क्लियर हो, पॉलिसीज क्लियर हो, किस तरह से काम करना है वो प्लान क्लियर है पूरा, तो उस कंडीशन में उसको ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो एग्जीक्यूटिव है, उसको भी क्लियर है ऑब्जेक्टिव्स का, प्लान्स का, पॉलिसीज का,
तो अगर ज्यादा समझदारी है, अच्छे से आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो उस जगह पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, सुपरविजन की या गाइडेंस की जरूरत कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। 8 की जगह पर 12 लोग भी जो है आप डायरेक्टली सुपरवाइज कर सकते हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको ऑब्जेक्टिव या प्लान या पॉलिसीज कितनी ज्यादा क्लियर है। ज्यादा क्लियरिटी है, अच्छे से क्लियर क्लियर है, तो आप उसको 12 से 15 भी लेकर जा सकते हैं। तो ये कुछ एक आपके फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस वर्क प्लेस में वो कितना होगा। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, या 15 होगा, या 20 होगा, या 25 भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका फैक्टर, आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो किन फैक्टर्स से हम डिटरमिन करते हैं। ओके, तो अभी हमने जो है डिवीजन ऑफ लेबर और स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स, JHFF, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स। देखिए, ज्वाइंट फैमिलीज हम सब जानते हैं कि ज्वाइंट फैमिलीज क्या होती हैं, जहाँ पर कि चाचा, ताया, मामा, अलग अलग तरह के जो रिश्तेदार हैं हमारे, एक अलग अलग जगह पर ना जाकर एक ही जगह पर एक ज्वाइंट फैमिली की तरह, एक समूह की तरह जब रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। हिंदूज में ज्वाइंट फैमिलीज का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा जो है हम मानते हैं इंडिया में है। अब लेकिन धीरे धीरे जैसे डाइवर्सिफिकेशन होता जा रहा है, तो ज्वाइंट फैमिली जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स भी जो है ऑटोमेटिकली डिग्रेड होती जा रही हैं। अब ये क्या है ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। रीजन वाई इट फाउंड ओनली इन इंडिया, बिकॉज इंडिया के अंदर ही हमारे हिंदू फैमिली जो ज्वाइंटली रहती हैं वो पाई जाती हैं। तो इसलिए ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स इज वेरी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पुराने से चलती आ रही है, देश की आजादी से पहले भी चलती आ रही थी। ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, दो दो तीन तीन भाई, सात भाई एक साथ रहते हैं, और एक बिजनेस जो है वो फॉर्म कर लिया, एक साथ फॉर्म करने के बाद उसको सब लोग मिलजुल कर चलाते हैं। तो दैट टाइप ऑफ, क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज हैं तो उस फॉर्म्स का नाम जो है हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स रख दिया। बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स वो ज्वाइंट फैमिली है और उसके जितने भी उस ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब मिलकर जो है उस बिजनेस को चलाते हैं, कमाते हैं, ओन करते हैं उसको और उसको बढ़ाते हैं आगे। एंड इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ, एक हिंदू लॉ जो है वो उसको गवर्न करता है इस हिंदू फैमिली फॉर्म्स में। तो कोई भी अगर आगे जाकर कोई क्लैशेस होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम हिंदू लॉ को जो है यूज करते हैं। नाउ हाउ इट वर्क्स, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म जो है वो किस तरह से काम करती है। तो पहले चीज, बेसिस ऑफ मेंबरशिप जो है दैट इज बर्थ। इस उस ज्वाइंट फैमिली का जो वो पर्टिकुलर बिजनेस जो हम चला रहे हैं, जो सदियों से चलता आ रहा है, पिछले 10 साल से दादाजी परदादाजी ने शुरू किया था और वो चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस छोटे या बड़े बिजनेस में मेंबरशिप का बेसिस क्या होगा, बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। सिंपल, उस फैमिली में आप पैदा हो जाइए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप उस बिजनेस के मेंबर बन गए। एंड 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी द मेंबर्स। इवन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 सक्सेसिव जनरेशन तक, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू हिंदूज लॉ ये 3 जनरेशन तक जो है, 3 पुश्तों तक चलाया जा सकता है। तो सिंपल बेसिस ऑफ मेंबरशिप क्या है, बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। अगर आप चाहते हैं सिंपल कि एक पर्टिकुलर फैमिली में आपको एक मेंबर चाहिए, उस फैमिली का मेंबर जो है उसको आप अपना मेंबर बना लीजिए उस कंपनी का। बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज वेरी सिंपल कि अगर उस मेंबर, उस फैमिली का जो अगर कोई मेंबर है तो उसको आप मेंबर बना सकते हैं इन दैट बिजनेस ऑल्सो। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड, उस पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने वाला जो हेड है दैट इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ दैट फैमिली, कॉल्ड कर्ता, उसको बोलते हैं कर्ता। जैसे कि परदादा जी हैं, दादाजी हैं, पापा भी हैं, चाचा भी हैं, ताया जी भी हैं, और उनके जो बेटे हैं बड़े, जो हमारे भैया लोग हैं, उन सबको
मिलाकर जो है हम पूरा एक बिजनेस जो है ओन करते हैं, लेकिन उस पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने वाला जो हेड है, जो सबसे बड़ा आदमी है, उसको हम बोलते हैं कर्ता, जो सबसे बड़ा है, दैट इज कॉल्ड कर्ता। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर, बराबर की हिस्सेदारी है सब सबकी, जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं बिजनेस या प्रॉपर्टी है उसमें सबकी बराबर हिस्सेदारी है। और उन लोगों को, उन सभी मेंबर्स को जो हम बोलते हैं को पार्सनर्स। दो सिस्टम्स हैं ऐसे इस मेंबरशिप में, फैमिली बिजनेस में, एक है दया भाग और दूसरा है मितकर्ष। दया भाग और मितकर्ष, दया भाग और मितकर्ष में देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो यहाँ पर इस स्लाइड में देखे पता चल जाएगा। दया भाग प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल, सिर्फ वेस्ट बंगाल में है। मितकर्ष जो है प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स हैं उसको हम दया भाग बोल रहे हैं, और वेस्ट बंगाल के अलावा जो पूरे देश में जो है उसको हम मितकर्ष बोल रहे हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है, दया भाग जो हमारी कम्युनिटी है हिंदू फैमिली फॉर्म्स की, उसमें इट अलाउज बोथ द मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू बी को पार्टनर्स। मतलब ये हुआ कि जो पूरी प्रॉपर्टी या बिजनेस है उसमें ओनरशिप जो है वो मेल्स और फीमेल्स मेंबर दोनों की ही होगी। बोथ कैन बी द को पार्टनर्स और द मेंबर्स ऑफ दैट बिजनेस फॉर्म। बट मितकर्ष में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिफर कर जाते हैं, बिकॉज इट अलाउज ओनली द मेल मेंबर्स टू बी द को पार्टनर्स इन द बिजनेस, फीमेल मेंबर्स को हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। तो ओनरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स को पार्टनर्स की तरह से आइडेंटिफाई करती है। तो इट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दया भाग एंड मितकर्ष। दया भाग में हमारे बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स आर द को पार्टनर्स, मितकर्ष में ओनली द मेल मेंबर्स कैन बी द को पार्टनर्स इन द बिजनेस। दया भाग वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के अलावा पूरे इंडिया में मितकर्ष जो है वो काम करता है। अब इसके क्या फीचर्स हैं, सबसे पहला फीचर जो है दैट इज फॉर्मेशन, कि फॉर्म कैसे किया जाए, फॉर्मेशन स्टार्टिंग कैसे हो। तो देयर शुड बी एटलीस्ट टू मेंबर्स इन द फैमिली, सबसे पहली चीज जो है वो ये कि उस फैमिली में कम से कम दो लोग होने चाहिए। कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेंबरशिप जो है दैट इज बाय बर्थ। कोई बाहर से आदमी हम हायर नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस का मेंबर बन जाए, कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल क्योंकि यहाँ पर मेंबरशिप जो है दैट इज बाय बर्थ। अब अंबानी, धीरू भाई अंबानी या आदित्य बिरला की अगर फैमिली में कोई भी मेंबर वहां पर जो है वो बर्थ लेता है, तो ऑटोमेटिकली कल जाकर वो उस पूरे बिजनेस को की ओनरशिप ले लेगा। ठीक है, तो मेंबरशिप जो है दैट इज बाय बर्थ ओनली, तो कोई नो एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। तो फॉर्मेशन इज वेरी इजी, इट सिंपली फॉर्मेशन जो है बहुत सिंपल है, सिर्फ दो लोग हों और आप जो है उसको फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब यह है देनदारियां कितनी है, डेब्ट का पेमेंट जो है वो कितना है, वो किस तरह से जो है वो गवर्न करता है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। बेसिकली कर्ता हैज द अनलिमिटेड लायबिलिटी, कर्ता मींस वो एल्डेस्ट पर्सन जो कि उस पूरे बिजनेस को गवर्न कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो दैट कर्ता हैज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब ये कि जितना भी देनदारियां हैं, जितना भी आपने कर्जा लिया है, वो सारा का सारा कर्ता ही चुकाएगा। बट फॉर अदर मेंबर जो को पार्टनर जिसको हम बोलते हैं, इट इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को पार्टनरी प्रॉपर्टी ऑफ दैट बिजनेस। मतलब अगर तीन लोग हैं किसी फैमिली में, बाप है और दो बेटे हैं, तीन लोग जो है उस बिजनेस के पार्टनर्स हो गए एक तरह से, तो जो करता है, जो जो फादर है, दैट हैज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर किसी वजह से कोई घाटा पड़ जाता है, उस बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है, अगर कर्ता जो है उस लायबिलिटी को फुलफिल करेगा, तो पूरा का पूरा 100% जो लायबिलिटी है, जो डेब्ट पेमेंट है, वो कर्ता करेगा, फादर करेगा। बट इन केस फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सपायर कर जाता है और दो बेटे ही रह जाते हैं, उस कंडीशन में वो दोनों ही बेटे जो है, बिकॉज उनका शेयर 50-50% है, तो को पार्टनर जो है दोनों, उनके लायबिलिटी जो है ऑटोमेटिकली 50-50% डिवाइड हो जाएगी। तो 50% डेब्ट एक बेटा पे करेगा, और 50% जो डेब्ट है वो दूसरा बेटा रीपे करेगा। नंबर थर्ड इज कंट्रोल। मैंने ये आपको पहले बता दिया कि कंट्रोल जो है, कर्ता टेक्स ऑल द डिसीजंस, जो सबसे बड़ा आदमी है वो जो है डिसीजन लेता है और वो ही मैनेज करता है, एंड इज ऑथोराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस। तो कंट्रोल जो है वो सबसे बड़ा आदमी जो है अपने घर परिवार में,
उस ज्वाइंट फैमिली में जो सबसे बड़ा आदमी है वो ही सारे डिसीजंस लेगा और वो ही जो है बिजनेस को मैनेज करता है। नेक्स्ट फीचर इज कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। बड़े बाबा मर गए कोई बात नहीं, लेकिन उसके नीचे के जो सक्सेसिव नेस्ट जो है, जो उनके बेटे हैं, उनके ताऊ जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, हमारे जो बड़े भैया हैं, वो लोग जो है बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देर इज ऑटोमेटिकली कंटिन्यूएशन इन दैट बिजनेस। एंड द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। जो बड़ा बड़े आदमी थे, कर्ता जो थे, वो सब डिसीजंस ले रहे थे, वो बिजनेस को बंद नहीं करने दे रहे थे। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या कहती है कि नहीं, ये वाली चीज तो बहुत पुरानी हो गई है, बिजनेस नहीं चलेगा इस तरह से। आप चाहते हैं कि कुछ और चीज शुरू की जाए अपने लेवल पे, तो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो कर्ता जो है उसकी डेथ के बाद अगर आप चाहते हैं तो एक म्यूचुअल कंसेंट से मेंबर्स के आप उस बिजनेस को बंद कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ माइनर मेंबर्स, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स में माइनर मेंबर्स कैन बी द मेंबर्स ऑफ दैट बिजनेस। आप देखते हैं कुछ एक दुकानों पे, अगर आप जाते हैं परचून की दुकानों पे, वहां पर माइनर मेंबर्स मीन्स 18 साल से कम की उम्र के लोग, बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं अपने घर का। पुलिस रोक नहीं रही है कि 18 साल से कम की उम्र है, वो उनका खुद का फैमिली बिजनेस है, दे आर जस्ट सपोर्टिंग। तो दे आर द मेंबर्स ऑफ दैट बिजनेस। अगर आपका जो कर्ता है उसको वो अगर एक्सपायर कर जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो चाहे वो माइनर मेंबर है, उसमें भी आप डिविजन करेंगे उस प्रॉपर्टी का, उस बिजनेस की ओनरशिप वहां उस माइनर मेंबर को भी डिवाइड होगी। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। मेरिट्स, उसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला है इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल जो है दैट इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि एक आदमी ही, एक कर्ता ही, एक सबसे जो बड़ा आदमी है वो ही सब कुछ मैनेज कर रहा है। डिसीजन पावर जो है दैट इज वेरी स्ट्रांग। तो आप उस बिजनेस को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट मेरिट ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स। नंबर टू इज कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। कर्ता चला गया, कोई एक को पार्टनर विल बिकम द कर्ता। दादाजी चले गए, ताया जी बिकम्स द कर्ता। ताया जी चले गए, पापा जी बिकम्स कर्ता। पापा जी चले गए, चाचा जी बिकम्स कर्ता। इसी तरह से सक्सेसिवली जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट करता रहेगा और इट विल कंटिन्यू डायरेक्टली। नंबर थर्ड इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की जो लायबिलिटी है दैट इज वेरी लिमिटेड। मैंने आपको बताया कर्ता की तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, वो तो पूरा का पूरा जो है पेमेंट करेगा, बट जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है दैट इज लिमिटेड, डिपेंडिंग उनका क्या परसेंट ऑफ शेयर जो है उस बिजनेस में इन्वॉल्व है। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन। इंक्रीज्ड लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन, क्योंकि घर के लोग हैं, लॉयलिटी ज्यादा है, ऑनेस्टी है, क्योंकि हमारे घर में ही जो है प्रॉफिट आएगा, जो लॉस होगा वो भी हमारे घर का ही होगा, तो लॉयल्टी जो है वो दैट इज वेरी हाई। और इसी तरह से क्योंकि घर के मेंबर्स हैं तो कॉपरेट तो करेंगे ही। तो ये कुछ एक आपके मेरिट्स हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स के, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो फायदे में जाएगा, एडवांटेज में जाएगा। लेकिन कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। एक ही घर इन्वॉल्व है, एक ही तरह की कंडीशंस हैं, एक ही तरह की सोच है, उसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में हम रह रहे हैं, एक जैसे लोगों की सोच है, उसी तरह का काम करने का तरीका, तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे। हमारे बैंक बैलेंस भी एक ही है, उसी तरह के रिसोर्स, अगर हम कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उतने में से इन्वेस्ट करना है, उतने में से फैमिली भी चलानी है, तो एक लिमिटेड रिसोर्स जो है वो हो जाता है। इसके जगह पर अगर हम कोई बाहर का आदमी होता, उस फैमिली का ना होता, तो उसके पास भी कुछ बैंक बैलेंस होता, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक लिमिटेड रिसोर्स जो है, चाहे वो हम मैन पावर की बात करें, चाहे हम अपने कैपिटल की बात करें, या अपनी सोच की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो दैट इज वेरी लिमिटेड रिसोर्स। नंबर टू इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता की लायबिलिटी जो है दैट इज अनलिमिटेड, मतलब सारा का सारा डेप्ट पेमेंट वो एक ही आदमी करेगा, उसी के ऊपर सारा का सारा बोझ जो है वो डाल दिया जाएगा। नंबर थर्ड इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता डोमिनेटिंग है। जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन है, चाहे वो बूढ़ा हो चुका है, अभी वो 70, 72, 75, 80 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी ही इज द कर्ता, वो ओन ओन करता है उस बिजनेस को, और वो डोमिनेट भी करता है। और कई बार होता है कि जितने ज्यादा एज हो जाती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम होती जाती है, लेकिन अभी भी वो डोमिनेटिंग है, इस वजह से वो गलत डिसीजन भी ले रहे हैं, तो लेकिन को पार्टनर्स को वो मानने पड़ रहे हैं। तो ये एक लिमिटेशंस हो जाती हैं हमारे हिंदू फैमिली फॉर्म्स की, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स की, कि
कि कर्ता जो है अभी भी डोमिनेट करता है। हो सकता है कि जो को पार्षद जो छोटे हैं उनका डिसीजन ज्यादा अच्छा हो, उनके पास आइडिया जनरेशन की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी स्ट्रांग है, लेकिन ड्यू टू द डोमिनेटिंग करेक्टर ऑफ द कर्ता वो उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सिमिलरली लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स, कर्ता जो है वो अकेला आदमी जो है वो मैनेज कर रहा है, तो उस अकेले आदमी के पास उतनी ही स्ट्रेटेजीज हैं, उसी तरह से वो प्लान करता है हर बार, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आपके जो मैनेजेरियल स्किल्स हैं वो भी लिमिटेड हैं। ओके, तो द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन द डिक्लाइन, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बिकॉज हमारे नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज जो कंट्रीज में हैं वो कम होती जा रही हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज जो हैं वो कम होती जा रही हैं। जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, बेटों ने पढ़ाई करके किसी एक पर्टिकुलर एमएनसी में जॉब ले ली, अब वो कंपनी की डिमांड ये है कि आप अपना आगरा लोकेशन छोड़ के आप इंदौर जाकर शिफ्ट हो जाइए, वहां पर आपको आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसको वहां जाना पड़ेगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसकी फैमिली वहां पर हो जाएगी, तो ज्वाइंट फैमिली जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और उसी वजह से आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो भी कम होते जा रहे हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ? सब जुड़े हुए हैं, एक पूरी कंपनी का जो स्टॉक है, जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज ज्वाइंट। मतलब बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उन सबका ज्वाइंट एक अकाउंट है, एक ज्वाइंट क्रेडिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, लाइबिलिटी है, उसका जो आपका इन्वेस्टमेंट है दैट इज वेरी ज्वाइंट। तो उस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ कंपनी दैट इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। एसोसिएशन एसोसिएशन मींस समूह। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि नंबर ऑफ मेंबर्स का एक एसोसिएशन है, जिसमें कि वो बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करेंगे और उनका एक लीगल स्टेटस है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। तो पूरी कंपनी जो है उन मेंबर्स से अलग, एक अलग लीगल स्टेटस को वो फॉर्म करते रिफॉर्म करती है। तो इस तरह की जो कंपनीज है उनको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। एंड इट इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 1956। इट मीन्स कोई भी क्रैशेज होंगे, किसी भी तरह का जो है उतार चढ़ाव होगा, तो उसमें डिसीजन जो है दैट विल बी टेकन एज पर द रूल्स Governed in the Companies Act 1956। आजकल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है पॉपुलर है। आपकी कंपनी का जितना भी कैपिटल है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स, विच इज ट्रांसफरेबल। तो पूरी कंपनी का जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स। 500-500 रुपए के शेयर्स, 1000-1000 रुपए के शेयर जो हैं, वो अवेलेबल है इन द मार्केट, और उन स्मॉलर पार्ट्स को जो है आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, और उन स्मॉलर पार्ट्स ऑफ दैट कैपिटल्स आर कॉल्ड शेयर्स, विच इज ट्रांसफरेबल। ये सब जानते हैं कि शेयर्स को खरीदा बेचा जा सकता है, इट मीन्स इट इज ट्रांसफरेबल। आपके पास कुछ पैसा है, आपने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त उसमें रिलायंस के कुछ शेयर जो है वो बिक रहे हैं और आप खरीद सकते हैं उसको। एक शेयर की कीमत जो है दैट इज 100 रुपीज, और अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप जो है 10 शेयर उसके खरीद सकते हैं। तो उस कैपिटल जो इन्वेस्ट की जा रही है उस कंपनी में, उस कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट जिसको हम शेयर बोलते हैं वो आपने खरीद लिया, तो किसी ने बेचा होगा, जिसने बेचा उसने अपनी ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दी, क्योंकि उसने वो शेयर आपको बेच दिए। तो उस रिलायंस कंपनी में 1000 रुपए के शेयर आपने खरीद लिए, इसका मतलब ये है कि रिलायंस कंपनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी कैपिटल है, उसमें 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो अगर रिलायंस कंपनी को कुछ फायदा होगा तो उस हिसाब से आपका 1000 रुपीज हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए की अगर वो कोई कंपनी है, रिलायंस जो है 1 लाख रुपए की अगर उसकी कैपिटल है, आपने 1000 रुपए के शेयर जो है उसमें इन्वेस्ट कर दिए,
तो इसका मतलब आपने अगर 10% इन्वेस्ट किया है, तो अगर वो कल राइज करती है, उसको कुछ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो है वो अगर 100 रुपये हुआ, तो 10% अगर आपने शेयर इन्वेस्ट किया था, तो ऑटोमेटिकली उस प्रॉफिट का भी 10% जो है वो आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो उसमें 10 रुपये का प्रॉफिट आपका हुआ, तो 10% प्रॉफिट जो है वो आपने कमा लिया। अब उस 10 रुपये का आप एक और शेयर ले सकते हैं, तो 100 आप जो है 10 की जगह पर 11 शेयर्स हो गए, आपने 1100 रुपये के शेयर खरीद, 110 रुपये के शेयर जो है आपने खरीद लिए। तो इस तरह से जो है शेयर जो है दोज आर ट्रांसफरेबल, और उस कैपिटल जो कि आपने इन्वेस्ट की हुई है, उसके स्मॉलर पार्ट को जो कि आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं उसकी ओनरशिप, उसको हम बोलते हैं शेयर्स। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने वो शेयर्स खरीदे हुए हैं, दीज आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर हैं वो उस कंपनी के। रिलायंस में अगर मेरे 10% शेयर हैं, तो रिलायंस को जितना प्रॉफिट या लॉस, दोनों हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है। तो जो भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, उसकी ओनरशिप हमारे पास है, वो हमें भुगतना होगा। अगर प्रॉफिट हो जाता है 100 रुपये, उसका 10% अगर मुझे प्रॉफिट लेना है, तो 10 रुपये मेरे को मिलेंगे। इसी तरह से अगर कोई लॉस हो जाता है, 100 रुपये का लॉस हो गया, तो 10% लॉस हुआ मेरे को, तो 10 रुपये मेरे को पे भी करने पड़ेंगे। तो वी आर द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी, तो वी आर द ओनर्स ऑफ दैट कंपनी। बट उस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो चीफ मैनेजिंग बॉडी है, वो शेयर होल्डर्स के थ्रू इलेक्ट की जाती है। शेयर होल्डर्स का मतलब ये नहीं है कि एक 200 करोड़ रुपए की कंपनी है, उसमें 1000 रुपए के शेयर मैंने डाल दिए, तो मैं एक शेयर होल्डर इलेक्शन के लिए चूज कर दिया जाऊंगा। नहीं, इस तरह का नहीं है। कुछ एक लिमिट जो है वो स्पेसिफाई की जाएगी, उस लिमिट से ज्यादा किसी के शेयर हैं, तो उन शेयर होल्डर्स को इतनी आपको एक एक अथॉरिटी दे, जिसको हम बोल सकते हैं, अथॉरिटी दे दी जाएगी, ताकि आप चीफ मैनेजिंग बॉडी को जो है इलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करने का मींस डेमोक्रेसी, जैसे हम इंडिया में बात करते हैं, इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो उसके लिए इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेटिकली जो है हम इलेक्ट करते हैं कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो शेयर होल्डर्स हैं, दो शेयर होल्डर जो है, दे कैन इलेक्ट द चीफ मैनेजिंग बॉडी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या फायदे हैं? लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफर्स ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, ये बड़ा ही थ्योरेटिकल सा है। लिमिटेशंस आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली वी जंप टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसके नोट्स भी आपको DEIFOE.org पर वहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो यू कैन गो थ्रू इट। द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेशन जो है वो एक बड़ा ही नॉर्मल सा वर्ड है ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, उसका मतलब वहीं से डराइव किया गया है। द वर्ल्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टूगेदर, एक साथ जब हम मिलकर काम करते हैं, एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। कोऑपरेटिव मींस वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। अब यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक कॉमन पर्पस क्या है, वो ये है कि आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो आप एक कम्युनिटी के लिए को सर्व करने का, जो आप उसको फायदा पहुंचाना जो है, दैट इज द मोस्टली द कॉमन पर्पस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और मिलजुल कर जो है आप काम करते हैं। इट इज ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली कोई भी जो है, कोई बिजनेस जो आप रन कर रहे हैं, उसमें आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जरूर प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस आप लॉस के लिए जो है वो रन नहीं करते। यू ऑलवेज ड्राइव दैट बिजनेस और दैट इंडस्ट्री टू प्रोटेक्ट योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए देखिए थर्ड पॉइंट, द मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ऑफ एटलीस्ट 10 adult persons टू फॉर्म अ सोसाइटी। कम से कम 10 adult लोग होने चाहिए उस सोसाइटी में, तब जाकर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप रिक्वायर कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। और जितना भी कैपिटल है उस पूरे सोसाइटी का, वो उसके मेंबर्स सब मिलजुल के जो है इकट्ठा करते हैं, कैपिटल को इकट्ठा करते हैं, एंड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। तो कितना किसने इन्वेस्ट किया, उस हिसाब से उसका शेयर होगा, बोथ इन प्रॉफिट एंड लॉस। और एक रिक्वायरमेंट है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की, दैट इज
कि कंपलसरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटीज एक्ट 1912। तो ये इस एक्ट के मतलब ये लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर में उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना बड़ा जरूरी है, इट इज वेरी कंपलसरी। उसके बिना जो है आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसके फीचर्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज वॉलंटरी मेंबरशिप, बिल्कुल वॉलंटरीली है मेंबरशिप जो है, दैट इज वॉलंटरी। आप अपने स्वेच्छा से जो है इसमें आप काम कर सकते हैं, आप मेंबर बन सकते हैं। लेकिन आप अगर छोड़ना चाहते हो सोसाइटी को, तो आपको एक छोटा सा नोटिस आप जो है पहले से दे दें, विद नो कंपल्शन आप नोटिस दे सकते हैं। एंड मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल, उनका कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई जेंडर, कोई रंग भेद, नस्ल भेद नहीं देखा जाता। तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपकी जो वॉलंटियरशिप है, दैट इज मेंबरशिप जो है दैट इज वॉलंटरी। नंबर टू इज लीगल स्टेटस, मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर में। और क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो एंट्री हो या एग्जिट हो किसी मेंबर का, इसे कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉय कर चुके हैं, शेयर्स आप डिवाइड कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो उस हिसाब से आपको मिलता रहेगा। तो लीगल स्टेटस जो है दैट रिमेन्स अनइफेक्टेड। लिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल में उतना ही आपको लायबल है। जो देनदारियां हैं, जो डेब्ट आपके ऊपर कर्जा जो है, वो उसी शेयर्स के हिसाब से, उसी कैप जितना आपने कंट्रीब्यूट किया उसी हिसाब से आपको लोन जो है रीपे करना पड़ सकता है। तो आपको रिस्क भी है यहाँ पर। कंट्रोल देखा जाए, पावर टू टेक डिसीजन लाई इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टिव मैनेजिंग कमेटी, बिल्कुल वही उसी तरह से डेमोक्रेटिकली आप, क्योंकि डेमोक्रेटिक करेक्टर है, जो इलेक्ट हो चुका है मैनेजिंग कमेटी, वो जो है वो पूरा उस पूर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करती है। डिसीजंस सारे के सारे उस मैनेजिंग कमेटी के हाथ में है, तो इस तरह से जो है वो कंट्रोल की जाती है। एंड यहाँ पर जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया कि सर्विस इज द मोटिव, वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी है, जो आपकी कम्युनिटी है, उसको सर्विस करना, उसको उसकी हेल्प करना, दैट इज ओनली द मोटिव। यहाँ पर मेन मोटिव जो है वो आपका पैसा कमाना नहीं है, दैट इज सेकेंडरी, प्राइमरी मोटिव इज द सर्विस। तो मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट इट्स वर्किंग, तो इसका काम करने का जो तरीका है दैट इज डोमिनेटेड बाय द मोटिव ऑफ सर्विस, कि आप सर्विस दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं टू पुअर पीपल्स, टू अपलिफ्ट अपलिफ्ट देम, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको अपलिफ्ट करना, उनकी एजुकेशन के लिए। तो और अगर फिर भी कोई एनी सरप्लस इज जनरेटेड, कोई आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं उसमें आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं।